मैं डॉक्टर अनुप पटेल, फाउंडर ओम फिजियोथेरापी क्लिनिक एंड फिटनेस सेंटर नवरंगपुर अहमदाबाद। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कोरोना का जो नया वेरिएंट आया है ओमिक्रोन, उससे किस तरह से दूर रह सकते हैं, उससे किस तरह से बच सकते हैं, यदि वो पॉजिटिव आता है तो उसको आहिस्ता आहिस्ता उसकी इफेक्ट को किस तरह से कम कर सकते हैं। ओमिक्रोन के पहले जो डेल्टा वेरियंट था, दोनों के साइन और सिम्टम्स पूरे डिफरेंट बताए जा रहे हैं। अभी तक की जो भी स्टडी आई है, जो भी दिखाया जा रहा है, उसमें दोनों के साइन और सिम्टम्स डिफरेंट हैं। डेल्टा वेरिएंट पहले था तो हम उसे बड़ा भाई का नाम दे देंगे, और ओमिक्रॉन उसके बाद आया तो छोटा भाई। जो डेल्टा वेरिएंट था उसका ट्रांसमिशन का स्पीड ओमिक्रॉन से कम है, जबकि ओमिक्रॉन का ट्रांसमिशन मीन्स एक में से दूसरे में, दूसरे में से तीसरे में फैलने की क्षमता ओमिक्रॉन की डेल्टा के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा है, और उसके सिम्टम्स डिफरेंट है। डेल्टा वेरिएंट था उसके अंदर हमें ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता, सांस लेने में दिक्कत होती थी, फीवर रहता था, वीकनेस थी, वो सारी चीज़ देखने को मिलती थी, और स्मेल और टेस्ट वो भी चले जाते थे। जब भी ओमिक्रॉन के अंदर नाक बंद होना, गले में दर्द या खराश जैसा लगना, पीठ के नीचे के हिस्से में दर्द होना, बॉडी पेन होना, डायरिया, ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। जब भी ओमिक्रॉन के अंदर हमें स्मेल और टेस्ट दोनों फील होते हैं, ये सारे दोनों के पूरे सिम्टम्स डिफरेंट है, लेकिन एक ही है, जो ओमिक्रॉन है वो जल्दी फैलता है, और जब डेल्टा था वो कम फैलता था, और डेल्टा ज़्यादा डेंजरस था, ओमिक्रॉन कम डेंजरस है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसे अनदेखा कर दें ओमिक्रॉन को, हमें उससे किस तरह से बचना है आज मैं उसके बारे में बताऊंगा। आज मैं जो बताऊंगा वो डेल्टा वेरिएंट में जो पॉजिटिव होते हैं उसको भी फायदेमंद होगा, और ओमिक्रॉन से जो पॉजिटिव होते हैं उसको भी फायदा होगा, जो पॉजिटिव नहीं है वो भी करेंगे तो उनको भी इससे फायदा मिलेगा। सबसे पहले बताता हूँ, जो घर में खराश ऐसा होता है उसके लिए आप वार्म वाटर के अंदर हल्दी डाल के, जो हम बोलते हैं हल्दी, जो बहुत ही फायदेमंद है, वो एंटीऑक्सीडेंट है और एंटी इन्फ्लेमेटरी है, जिससे गले में जो खराश जैसा फील होता है वो कम होगा, और दूसरा जो बॉडी पेन होता है वो भी कम हो जाएगा, और जो हमें सांस लेने में थोड़ी थोड़ी दिक्कत होती है उसके लिए मैं आपको एक्सरसाइज बता देता हूँ। उसके लिए इस तरह से दोनों हाथ को ऊपर ले जाओ, फिर नीचे ला। जब भी हाथ को ऊपर ले जाते हो तभी सांस को अंदर लेना है, और नीचे लाते हो तभी बाहर निकालना है, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। इस तरह से हाथ को ऊपर ले जाओ तभी नाक से सांस को अंदर लो और मुंह से बाहर निकालो। ये एक्सरसाइज करने से जो हमें सांस लेने में दिक्कत होगी वो कम होगी, और उसके बाद है जो ओम हमें बोलना है, ओम का साउंड हमें प्रोनाउंस करना होगा, जितना लंबा बोल सको उतना। मैं बताता हूँ किस तरह से, ओ ये जितना लंबा बोल सकते हो उतना बोलो। उससे फायदा क्या होगा, एक तो हमारे जो फेफड़े हैं, जो लंग्स है, वो स्ट्रांग हो गए, और ओम का जब भी हम साउंड प्रोनाउंस करते हैं, जब भी उसको बोलते हैं, तभी गले में वाइब्रेशन जैसा फील होता है, उससे जो गले में खराश है वो भी कम होगी, गले में जो दर्द होता होगा वो भी कम होगा। और उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है उस पर आपको गौर करना होगा, कहीं पे भी जाते हैं तो आपको मास्क को पहनना ही होगा, और हो सके तो भीड़ वाले एरिया में कम जाओ, मास्क को अवश्य पहने, और उसके बाद है हाथ को बार बार सैनिटाइज करें, या तो फिर हाथ को साबुन से या किसी भी से हाथ को बार बार धोते रहे। इस तरह से आप डेल्टा वेरिएंट हो या ओमिक्रॉन वेरिएंट हो, दोनों वेरिएंट कोरोना के हैं, उससे आप दूर रह सकोगे, और आपके फैमिली को भी उससे दूर रख पाओगे। यदि आप पॉजिटिव हो जाते हो तो उससे आप आहिस्ता आहिस्ता उसकी इफेक्ट कम भी कर पाओगे। तो ये सारी चीज आपको करनी होगी, लेकिन मैंने बताया उस तरह से, मास्क को पहनो, हाथ को बार बार धो या सैनिटाइज करो, हल्दी वाला उबला हुआ पानी पिए, जितना आप सहन कर सको, वार्म वाटर जितना आप सहन सको वो पिए, वो एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी है, वो भी फायदेमंद होगी। ओम का साउंड का प्रोनाउंस करना है, वो करना होगा, जिससे आपके गले में खराश है वो कम लगेगी, और जो हमारे लंग्स है वो भी स्ट्रांग बनेंगे। इस तरह से ये सारी चीज करने से आप कोरोना से दूर रह पाओगे। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद।